पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं, जो हम लोग विद इन द पैकेज या फिर आउटसाइड द पैकेज हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्लास को अगर हम लोग पब्लिक बनाते हैं, अगर किसी भी क्लास को हम लोग पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, तो उस क्लास को हम लोग विद इन द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज हम लोग कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी मेथड को पब्लिक बनाते हैं, तो किसी भी उस मेथड को हम लोग विद इन द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को अगर बनाते हैं पब्लिक, तो हम लोग उसको विद इन द पैकेज आउटसाइड द पैकेज हम लोग कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला जा रहा है कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, इट हैज द वाइडेस्ट स्कोप अमंग ऑल अदर मॉडिफायर्स, ठीक है। मतलब हम लोग अगर किसी भी मेंबर को, क्लास को, इंटरफेस को अगर हम लोग पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज, ठीक है, हम लोग कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे एक सबसे पहले हमने एक ए डॉट जावा नाम की एक फाइल बनाया और उसमें क्लास ए डिक्लेयर किया और हम लोग ने उसको पब्लिक डिक्लेयर किया। उसके अंदर एक पब्लिक मेथड हम लोग ने बनाया, वॉइड मैसेज, और यहाँ पे हमने लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसमें हेलो प्रिंट किया हमने, ठीक है। ये था ए डॉट जावा, ठीक है। उसके अंदर एक क्लास था, सब के सब पब्लिक है इसके। देन उसके बाद बी डॉट जावा हमने बनाया, पैकेज माई पैक इम्पोर्ट पैक डॉट एस्ट्रिक, मीन्स इस पैक के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी सारे के सारे हम इसके अंदर इम्पोर्ट कर ले रहे हैं बी डॉट जावा के अंदर। और बी जो क्लास है वो माई पैक के अंदर में स्टोर हो रहा है। हमने यहाँ क्लास बी बनाया और यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन हम मेथड हमने लिया और यहाँ पे ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए हमने लिया, मीन्स ए का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ए क्या है, पब्लिक क्लास है, ठीक है। किसके अंदर है, पैकेज पैक के अंदर में है, ठीक है। और हमने ओबीजे डॉट मैसेज करके हमने इसको कॉल किया, ये पब्लिक मेथड को हमने कॉल किया है, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने मिलेगा। तो हम लोग अगर किसी भी क्लास को या फिर उसके मेंबर्स को हम लोग पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग किसी भी पैकेज के अंदर हम लोग उसको इम्पोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पब्लिक हम लोग डिक्लेयर कर लिए तो बिना इम्पोर्ट के वो काम करेगा, ठीक है। इम्पोर्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इम्पोर्ट हमें करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो पैकेज के अंदर में, उस पैकेज को हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर जो था पब्लिक वो काम करता है। तो इफ यू आर ओवर राइडिंग एनी मेथड, ओवर रिडन मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड इन सब क्लास मस्ट नॉट बी मोर रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी मेथड को हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको प्राइवेट कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब उसको ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हम लोग नहीं कर सकते, या तो हम लोग उसको पब्लिक डिक्लेयर करेंगे या तो हम लोग उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करेंगे। क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे जो वॉइड मैसेज हमने बनाया है वो ओवरराइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लास ए है यहाँ, क्लास ए के अंदर हमने एक मैसेज नाम का मेथड बनाया और हमने उसको कर दिया प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड हमने कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पब्लिक क्लास सिंपल हमने बनाया और ए को इनहेरिट कर लिया इसमें। अब इसके अंदर एक और हमने यहाँ पे सेम जो पेरेंट क्लास में था सेम नाम का हमने मेथड बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट क्लास का मेथड जो है ओवरराइड हो रहा है यहाँ पे। उसके अंदर हम लोग हेलो जावा प्रिंट किए, दोनों में सेम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिया हुआ है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, ठीक है, सॉरी डिफॉल्ट होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। तो डिफॉल्ट जो होगा वो जनरली क्या होता है, मोर रेस्ट्रिक्टिव देन प्रोटेक्टेड, ठीक है।
प्रोटेक्टेड से ज्यादा वो रेस्ट्रिक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को अगर किसी भी मेथड को ओवरराइड करना है तो हम लोग को या तो यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा प्रोटेक्टेड, ठीक है, या तो हम लोग को लेना पड़ेगा पब्लिक, ठीक है। तो जनरली हम लोग मेथड ओवररिडन अगर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर के साथ में, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक ही लेते हैं, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम लोग अगर ओवरराइड कर रहे हैं तो हम लोग पब्लिक लेके चलें, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि और कितने क्लासेस में वो ओवरराइड होंगे, ठीक है। अगर हम लोग प्रोटेक्टेड कर लेंगे तो वो जनरली अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पब्लिक लेते हैं और हम लोग ओवररिडन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं मल्टीपल क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को देखने मिलेगा वो कंपाइल टाइम एरर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमने नहीं लिया है और बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वहाँ पे ऐड कर देगा। डिफॉल्ट मॉडिफायर कंपाइलर के थ्रू ऐड किया जाएगा, और डिफॉल्ट मॉडिफायर जो होता है प्रोटेक्टेड से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव होता है। ओके, द डिफॉल्ट मॉडिफायर इज मोर रेस्ट्रिक्टिव देन प्रोटेक्टेड, दैट इज वाई देर इज अ कंपाइल टाइम एरर। इंटरफेस इन जावा, एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास, इट हैज स्टैटिक कॉन्स्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। जनरली एक इंटरफेस एक ब्लू प्रिंट होता है क्लास का, जिसमें हम लोग कुछ स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं। स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स मीन्स क्या होगा, जिसमें हम लोग कोई एक ऐसा वेरिएबल्स बनाएंगे उसको हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग कुछ अनडिफाइंड मेथड्स हम लोग उसमें क्रिएट करेंगे, लाइक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में देख रहे थे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग इंटरफेस के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट हम लोग डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अब सेम इंटरफेस को हम लोग क्या करेंगे, सेम इंटरफेस को हम लोग क्या करेंगे दूसरी क्लासेस में इंप्लीमेंट करेंगे। जस्ट लाइक इनहेरिटेंस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी क्लास में हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उस मेथड को हम लोग वहाँ ओवरराइड करेंगे। आगे देखते हैं, द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस नॉट द बॉडी, इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है। तो इंटरफेस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट का डिक्लेरेशन होगा या मेथड का डिक्लेरेशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा, उसकी बॉडी नहीं होगी, मींस उसका डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। और इससे हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इंटरफेसेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स, इट कैन नॉट हैव द मेथड बॉडी, ठीक है। हम लोग उसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे और वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, किसी भी मेथड को बॉडी नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली बस इतनी सी बात है, मुद्दा ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इंटरफेस के अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जावा इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इज ए रिलेशनशिप, ठीक है, इज ए रिलेशनशिप मतलब क्या होता था, री इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस में ही इज ए रिलेशनशिप होता था और यहाँ पे भी हम लोग इज ए रिलेशनशिप ही यूज करते हैं। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड जस्ट लाइक द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, मीन्स उसका इंस्टेंस क्रिएट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम लोग उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर हम लोग को देखने मिलेगा और उसका कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको
किसी दूसरे क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उसको ओवरराइट कर सकते हैं. सिंस जावा 8 वी कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन एन इंटरफेस. सिंस जावा 9 वी कैन हैव प्राइवेट मेथड्स इन एन इंटरफेस. अगर हम लोग जावा 8 यूज करते हैं ठीक है, तो उसमें डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स होंगे ठीक है. अगर जावा 9 यूज करते हैं डिफॉल्ट स्टैटिक के साथ में प्राइवेट मेथड्स भी उसमें हम लोग रख सकते हैं ठीक है. तो जनरली एक इंटरफेस क्या होता है कि जस्ट लाइक क्लास ही होता है. बस हम लोग वहां पे क्या करते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे हम लोग, तो एब्स्ट्रैक्ट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे. इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट बस. अब फिर उस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्लास में इम्प्लीमेंट कर देंगे ठीक है. तो जनरली इंटरफेस जो होता है हम लोग क्यों यूज करते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं. व्हाई यूज जावा इंटरफेस, देर आर मेनली थ्री रीजंस टू यूज इंटरफेस ठीक है. इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस ठीक है. इंटरफेस से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी हम लोग यूज कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग ठीक है. लूज कपलिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको हम लोग जहां जहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे वहां वहां हम लोग उसको ओवरराइड कर सकते हैं ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जितने भी ओवरराइड करेंगे, हम लोग जहां जहां भी ओवरराइड करेंगे तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें अलग अलग लॉजिक लगा सकते हैं. मीन्स उसमें कोडिंग अलग अलग कर सकते हैं, उस मेथड की फंक्शनैलिटी हम लोग हर जगह चेंज कर सकते हैं. तो इसी को बोलते हैं लूज कपलिंग ठीक है. इसी को हम लोग बोलते हैं लूज कपलिंग ठीक है. तो जनरली थ्री यूज होते हैं इसके जावा इंटरफेस के. अब देखो इसका रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ. जैसे ही हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं ठीक है, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं, एकदम नया नया पेन ड्राइव खरीद के लाते हैं और हम लोग अपने कंप्यूटर में लगाते हैं ठीक है, तो क्या होता है, वो कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करता है, यूएसबी ड्राइवर ठीक है, जो यूएसबी पोर्ट में किसी भी पेन ड्राइव को या फिर डिस्क और स्टोरेज को सपोर्ट करने के लिए वहां पे दिया जाता है ठीक है. तो अब वहां पे ऑटोमेटिकली नेम उसका आ जाता है, जैसे सैंडिस्क का हम लोग लगाते हैं तो क्रूजर ब्लेड करके दिखाता है ठीक है. एचपी का हम लोग लगाते हैं तो एचपी का कुछ पेन ड्राइव के मॉडल्स रहते हैं वो दिखाते हैं ठीक है. इस प्रकार से अलग अलग. तो वहां पे क्या करते हैं, जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में बहुत सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं ठीक है. यूएसबी पोर्ट के लिए ड्राइवर्स होते हैं ठीक है, ऑडियो पोर्ट के लिए ड्राइवर्स होते हैं ठीक है. इस प्रकार से बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, प्रिंटर के लिए होता है, बहुत सारे ड्राइवर्स हम लोग यूज करते हैं. तो ड्राइवर्स जब हम लोग यूज करते हैं तो ड्राइवर क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर होते हैं. ड्राइवर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है. उस सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है ठीक है. तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है. जस्ट लाइक मैं अगर उसको बताऊं, ठीक है मान लो ये पेन ड्राइव ठीक है, पेन ड्राइव है, हम लोग इसको लगाए कंप्यूटर में ठीक है. अब इस कंप्यूटर में हमारे पास ड्राइवर इंस्टॉल्ड है ठीक है. हमने एक नया नया पेन ड्राइव खरीद के लेके आया और इस कंप्यूटर में अटैच किया. जैसे ही हम लोग इसको यूएसबी पोर्ट में अटैच करेंगे तो ये कंप्यूटर का यूएसबी ड्राइवर कॉल होगा ठीक है. अब पेन ड्राइव कैसे पता चलेगा कि वो पेन ड्राइव है ठीक है, पेन ड्राइव के अंदर सिर्फ एक छोटा सा इंटरफेस डिफाइन किया गया होगा, छोटा सा इंटरफेस डिफाइन किया गया होगा ठीक है. ये इंटरफेस का इंप्लीमेंट, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे ठीक है, सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होगा. उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा, इस कंप्यूटर के अंदर. कंप्यूटर
के अंदर कहाँ पे मिलेगा उसको? ड्राइवर्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ड्राइवर्स में मिलेगा, ठीक है। तो ड्राइवर्स के अंदर में ही उसका इम्प्लीमेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस है, इसको हम लोग कहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं? इस यूएसबी ड्राइवर में इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक दो पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे पेन ड्राइव का नेम, उसका स्टोरेज, ठीक है। इस टाइप के दो तीन वहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर्स पास किए जाते हैं और ड्राइवर्स उसका इम्प्लीमेंटेशन देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इंटरफेस को हम लोग रियल टाइम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ पेन ड्राइव के साथ नहीं होता, जितने भी हम लोग अटैचमेंट हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर लगाते हैं, ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ठीक है, और भी जैसे ऑडियो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ऑक्स केबल के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं 3.5 mm जैक में, ठीक है, और ऑडियो यूएसबी ऑडियो डिवाइस होता है, ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस होता है, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। सबके अंदर जो भी डिवाइसेस है, ठीक है, वो किसी ना किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होती है। जैसे हम लोग हेडफोन अटैच करते हैं, तो हेडफोन क्या है? हेडफोन तो भैया ऑडियो डिवाइस है, उसमें क्या बने रहता है? इंटरफेस बना होगा, ठीक है, और उसका सेम ड्राइवर किस में होगा? मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, हम लोग जिससे भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तभी वो दोनों पेयर कर पाता है, तभी वो दोनों वर्क कर पाता है और जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कर पाता है, ठीक है। अगर वैसा नहीं रहेगा, ठीक है, तो दोनों आपस में कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इंटरफेस जो होता है वो जनरली दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं।